हेलो फ्रेंड्स, केमिति अच्छा आप मैंने आज आम नहीं 40 इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज क्वेश्चन जहाँकि आपंकर फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर, LSI, SSC, बैंकिंग, रेलवे यही एग्जाम को बहुत इम्पोर्टेंट हेबो। तो यार PDF आप मैंने आम टेलीग्राम ग्रुप जॉइन हो जातु जार लिंक आम वीडियो डिस्क्रिप्शन रे देछु। आउ आपको जब भिडियोटी हेल्पफुल हुए तेज चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब मध्य करनी। तो फ्रेंड्स चलतु आज टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को एक्सप्लोर करने। तो आज वीडियो जनरल नॉलेज पार्ट 18 वीडियो और प्रीवियस टॉप इम्पोर्टेंट वीडियो यदि देखी ना तो आप मैंने प्लेलिस्ट को विजिट कर देखिपारे जहाँकि आपको कमिंग एग्जाम बहुत बहुत इम्पोर्टेंट यही सब क्वेश्चन अच्छी। तो चलतु आज टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को एक्सप्लोर करने। तो क्वेश्चन नंबर 481 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हु फाउंडेड सिखिज्म, यानी कि सिख धर्म किए फाउंड करते। सब ऑप्शन देछि, ऑप्शन देखिकी यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले एबे चलतु सठिक उत्तर जाय नबा। तो यार सठिक उत्तर हैला ऑप्शन नंबर सी, जोटा गेला गुरु नानक। गुरु नानक होती जेकि सिख धर्मर फाउंडर जेकि केबे जन्मग्रहण करते 1469 मसीह। तो ये क्वेश्चन नंबर 482 को जीवा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हु इज द इंडियन टू टेक ऑल 10 विकेट्स इन एन इनिंग ऑफ टेस्ट मैच। एम किए कौ भारतीय जी कि टेस्ट मैच रे सब 10 विकेट रे गोटे इनिंग रे 10 विकेट को नहीं जाते टेस्ट मैच रे। एनसर कमेंट करूँ, एनसर कमेंट कले चलते सठिक उत्तर जाए ना। तो सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जोटा कि अनिल कुंबले। अनिल कुंबले जी कि 1999 मसीहा टेस्ट मैच रे का एगेंस्ट रे पाकिस्तान एगेंस्ट रे 10 विकेट को निजे नहीं जाते। तो क्वेश्चन नंबर 483 को जीवा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स आर प्रेजेंट। आमर केते प्रकार ब्लड ग्रुप अच्छी ये सब ऑप्शन देछि, ऑप्शन देखे कि यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले एबे चलंतु यार सठिक उत्तर जानब। तो यार सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जोटा कहला 4 टाइप। आमर चारि प्रकार ब्लड ग्रुप अच्छी जो गुड़ा कहला ए बी ए बी आउ ओ। तो एबे चलतु क्वेश्चन नंबर 484 को जीवा। व्हिच कंट्री हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। एम को कंट्री हाईएस्ट पॉपुलेशन यानी कि लोक संख्या अधिक अच्छी। तो एनसर कमेंट करंतु, एनसर कमेंट कले एबे चलंतु सठिक उत्तर जाय नबा। तो सठिक उत्तर हैला ऑप्शन नंबर बी, जोटा कहला चाइना। चाइना रे ही पूरा वर्ल्ड रो पॉपुलेशन संख्या अधिक अच्छी। एक फेरी मान प्रीवियस जनगणना अनुसार चाइना रे अधिक थिला, किंतु वर्तमान यदि जनगणना करा जाए तबे इंडिया रे ही वर्ल्ड रो नंबर 1 कंट्री पॉपुलस कंट्री आकार मान्यता पाइब या फिर गणित जीव। एवं क्वेश्चन नंबर 485 को जीवा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर्स कैन द प्रेसिडेंट नोमिनेट इन द लोकसभा। लोकसभा रे केते जन मेंबर को प्रेसिडेंट निजे नोमिनेट कर थांती ये सब ऑप्शन देछि, ऑप्शन देखिकी यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले एवं चलतु सठिक उत्तर जानवा। तो सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जोटा कहला 2 जन प्रेसिडेंट निजे ही बिना ऑब्जेक्शन रे 2 जन मेंबर को सिलेक्ट कर थांती। तो एबे चलंतु क्वेश्चन नंबर 485 रो पार्ट 10 जाय जीवा, यानी कि ये सब क्वेश्चन आपंकर ब्लड ग्रुप रिलेटेड क्वेश्चन रहइबो एवं एग्जाम पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मध्य। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स आर प्रेजेंट, जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जोटा कहला 4 प्रकार ए बी ए बी आउ ओ। एवं क्वेश्चन नंबर 2 को जीवा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ब्लड ग्रुप इज कंसीडर्ड यूनिवर्सल डोनर।
এমানে ওদের কো প্রকার ব্লড গ্রুপ কো ইউনিভার্সাল ডোনর কো যায় এমন কি সবজ সর্ব দাতা এমন কি যা সমস্ত দেই পারথুয়া ব্লড গ্রুপ কোটা এনসার কমেন্ট করন্তু। এনসার কমেন্ট কলে এবে চলন্তু সঠিক উত্তর জানি নবা। তো সঠিক উত্তর হলো অপশন নম্বর ডি যেটা কিলা ও নেগেটিভ। ও নেগেটিভ হচ্ছে ইউনিভার্সাল ডোনর ব্লড গ্রুপ, यानी कि ब्लड ग्रुप व्यक्ति समस्त को ब्लड दे पारे। तो क्वेश्चन नंबर तीन नंबर को जीवा द एंटीजेंस ऑफर एबीओ एंड आरएच ब्लड ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन डैश। आमर एबीओ ब्लड ग्रुप आरएच ब्लड ग्रुप रो जो ब्लड ग्रुप थाए एंटीजेन कोथरे थाए এইসব অপশন দিয়েছি, অপশন দেখিকি আর উত্তর কমেন্ট করন্তু। উত্তর কমেন্ট কলে এবে চলন্তু সঠিক উত্তর জানি নেবা। তো সঠিক উত্তর হলো অপশন নম্বর সি যেটা গেল আমার আরবিসি, মানে কি রেড ব্লড সেল। রেড ব্লড সেলরে আমার অ্যান্টিজেন থাকে এবিও হোক কিংবা আরএইচ ফ্যাক্টর হোক, তো কোটি থাকে আরবিসিরে থাকে। তো কোশ্চেন নম্বর চারিক যা হুইচ অফ দ ফলোইং ব্লড গ্রুপ ইজ রেফর্ড এজ ইউনিভার্সাল রিসিপিয়েন্ট সর্বগ্রহিতা ব্লড গ্রুপ কোটা কোথাও। এইসব অপশন দিয়েছি, অপশন দেখিকি আর উত্তর কমেন্ট করন্তু। উত্তর কমেন্ট কলে এবে চলন্তু সঠিক উত্তর জানাবা। তো সঠিক উত্তর হলো অপশন নম্বর সি যেটা গেলে এবি ব্লড গ্রুপ। এবি ব্লড গ্রুপ সমস্তঙ্কঠু ব্লড নেই পারিব, আর ও নেগেটিভ ব্লড গ্রুপ যে কি সমস্ত ব্লড দেই পারিব ইউনিভার্সাল ডোনর আর ইউনিভার্সাল রিসিভর। তো কোশ্চেন নম্বর পাঁচ কো যা হোয়াট আর দা টু ব্লড টেস্ট। আমার রক্ত টেস্ট করা যাই থাকে কেউ দুইটা টেস্ট কু আমার কনসিডর করা হয়েছে যেটা কি ব্লড টেস্ট নেওয়া থাকে। তো এইসব অপশন দিয়েছি, অপশন দেখিকি আর উত্তর কমেন্ট করন্তু। উত্তর কমেন্ট কলে এবে চলন্তু সঠিক উত্তর জানাবা। তো সঠিক উত্তর হলো অপশন নম্বর বি যেটা গেলা এবিও ব্লড টেস্ট গোটে রয়েছে আর গোটে আরএইচ ব্লড টেস্ট রয়েছে। এই দুইটা ব্লড টেস্ট রয়েছে যেমনকি এবিওরে আমার এ বি এবি ও এই ব্লড কু ডিটারমাইন করা যাইপারিব, আর আরএইচ ব্লড টেস্ট দ্বারা ব্লডরে আরএইচ পজিটিভ কি আরএইচ নেগেটিভ তাহা ডিটারমাইন করা যাইপারিব। এবে কোশ্চেন নম্বর ছ কো যা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন হোয়াট ইজ দ্য প্রোসেস অফ দ্য ট্রান্সফর অফ হ্যুম্যান ব্লড নোন এজ। আমার যে ব্লড ট্রান্সফর হয়ে থাকে সেই প্রোসেসটা কোণ কোয়ায়। এইসব অপশন দিয়েছি, অপশন দেখিকি আর উত্তর কমেন্ট করন্তু। উত্তর কমেন্ট কলে এবে চলন্তু সঠিক উত্তর জানাবা। তো সঠিক উত্তর হলো অপশন নম্বর এ যেটা গেলে ট্রান্সফিউজন, মানে ব্লড ট্রান্সফিউজন প্রসেস দ্বারা আমার ব্লড গোটে ব্যক্তি ঠারু আর গোটে ব্যক্তি কু ট্রান্সফার করা যাই থাকে ইয়া ফের সিলিন্ডর গোটে ব্যক্তি কু পঠা যাই থাকে কেমিতি সর্জারি দ্বারা ইয়া ফের ট্রমা দ্বারা মেডিকাল কন্ডিশন দ্বারা। তো কোশ্চেন নম্বর সাত কো যা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন হুইচ ইজ দ্য রেয়ারস্ট ব্লড গ্রুপ, কেউটা সবুঠু কম পরিমাণে মানে কি কম লোকঠু মিলুথা ব্লড গ্রুপ কোটা বহুত কম লোক মিলে থাকে। তো এনসার কমেন্ট করতু, এনসার কমেন্ট কলে এবে চলন্তু সঠিক উত্তর জানাবা। তো সঠিক উত্তর হলো অপশন নম্বর এ যেটা গেল এবি নেগেটিভ। এবি নেগেটিভ ব্লড গ্রুপ সবুঠু কম লোক পাখে মিলে থাকে, মানে কি 100% রু 1 রু 2% লোক পাখে এবি নেগেটিভ ব্লড গ্রুপ থাকে। তো কোশ্চেন নম্বর এইট কু যা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন হু ডিসকভার্ড ব্লড গ্রুপ, এমন ভিতর কি যে কি ব্লড গ্রুপর ডিসকভার করলে মানে কি আবিষ্কার করলে। এনসার কমেন্ট কলে এবে চলন্তু সঠিক উত্তর জানাবা। তো সঠিক উত্তর হলো অপশন নম্বর বি যেটা হলো ক্যাল ল্যান্ড স্টেইনার। ক্যাল ল্যান্ড স্টেইনার যে কি আমার এবিও ব্লড গ্রুপ কু ডিটারমাইন করলে, যে কি অস্ট্রেলিয়ান সায়েন্টিস্ট কেবে করলে 1900 মশায় সে করলে। তো কোশ্চেন নম্বর
मैन को जीवा आरएच ग्रुप वाज डिस्कवर्ड इन डच आम जो आरएच ग्रुप अच्छी ताबे डिस्कवर होता तो ये सब ऑप्शन देखिए ऑप्शन देखिकी यार उत्तर कमेंट करूँ उत्तर कमेंट कले एवं चलतु सठिक उत्तर जनवा तो सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी जोटा कह कार्ल लैंडस्टाइनर आउ एएस विनर ये दुज ही आरएच ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करते कभी करते 1940 मसीह करते तो क्वेश्चन नंबर 486 को जीवा यूनिवर्सल रिसीवर ब्लड ग्रुप कौटा जोटा कि एबी थी तो क्वेश्चन नंबर 487 को जीवा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इन व्हिच ईयर डिड द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट को मसीहार आमर असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता ये सब ऑप्शन देखिए ऑप्शन देखिकी यार उत्तर कमेंट करूँ उत्तर कमेंट कले एवं चलतु सठिक उत्तर जानवा तो यार सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी जोटा कहला 1920 मसीह 1920 मसीह आमर ये जालियान बाग हत्याकांड है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट होला यानी कि 1920 मसीह आ जालियान बाग हत्याकांड के 1919 मसीह होता तो क्वेश्चन नंबर 488 को जीवा इन व्हिच फील्ड इज पेनाल्टी स्टॉक यूज्ड को फील्ड रे हमर पेनाल्टी स्टॉक यूज व्यवहार कराई थाए यानी कि को स्पोर्ट्स रे ए पेनाल्टी स्टॉक यूज कराई थाए एनसर कमेंट करंतु एनसर कमेंट कले एबे चलंतु सठिक उत्तर जाय नबा तो सठिक उत्तर हला ऑप्शन नंबर बी जोटा केला हमर हॉकी हॉकी खेल रे हमर पेनाल्टी स्टॉक यूज कराय थाए पेनाल्टी स्टॉक टा को awarded to the attacking teams if a defender commits a foul within the striking circle providing direct opportunity to score तो क्वेश्चन नंबर 499 को जीवा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन व्हिच इज द लोअर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट मैंने उत्तर कोटा को लोअर हाउस को आ जाय थाए तो आंसर कमेंट कले एबे चलंतु सठिक उत्तर जनवा तो सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर ए जोटा कहला लोकसभा लोकसभा को आम लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कह जाय थाए आउ अपर हाउस को कौन कह जाए आम राज्यसभा को कह जाय थाए तो क्वेश्चन नंबर 490 को जीवा व्हिच इज द फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा एंड व्हेयर इज इट हरियाणार फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी कौटा जोटा कि कौटार भी स्थापन कौटार स्थापन होता तो यार सठिक उत्तर है भगतपुर सिंह वुमेन यूनिवर्सिटी जोटा कि कानपुर रे स्थापन होता कानपुर कानाल यानी सुनीपत ठार स्थापन होता तो क्वेश्चन नंबर 491 को जीवा आफ्टर हाउ मेनी इयर्स इज द सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया केते वर्ष रे आमर केते वर्ष परे आमर सेंसस कंडक्ट कराइथिला इंडिया रे एनसर कमेंट करंतु एनसर कमेंट कले एबे चलंतु सठिक उत्तर जाय नबा तो सठिक उत्तर हला ऑप्शन नंबर बी जोटे कले 10 वर्ष परे द सेंसस इन इंडिया इज कंडक्टेड एवरी 10 इयर 10 वर्ष थरे इंडिया रे सेंसस लागू होता है यानी कि जनगणना तो क्वेश्चन नंबर 492 को जीवा हुज क्रिएशन इज मेघदूत कहार किए मेघदूत रचना करते मेघदूत रचयिता नाम कौन ये सब ऑप्शन देखिए ऑप्शन देखिकी यार उत्तर कमेंट करूँ उत्तर कमेंट कले एवं चलतु सठिक उत्तर जाय नबा तो सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर ए जोटा कि है कालिदास कालिदास होती जे कि मेघदूत रचयिता आपर जो पोएट तो क्वेश्चन नंबर 493 को जीवा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन
एट द टाइम ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट इंडिया जिते स्वाधीनता पाइला से समय रे ब्रिटेन रो प्राइम मिनिस्टर किए थे ये सब ऑप्शन देखिए ऑप्शन देखिकी यार उत्तर कमेंट करूँ उत्तर कमेंट कले एवं चलतु यार सठिक उत्तर जाए ना तो यार सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी जोटे गला क्लीमेंट अटली। क्लीमेंट अटली ही प्राइम मिनिस्टर थे कैसे 1947 मसीह ब्रिटेन रो प्राइम मिनिस्टर थे आई समय इंडिया स्वाधीन पाई तो क्वेश्चन नंबर 494 को जीवा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन व्हिच पार्ट ऑफ द बॉडी डज एक्जिमा डिजीज अफेक्ट आम बॉडी रो को पार्ट को एक्जिमा रोग होता है तो ऑप्शन देखिकी आर उत्तर कमेंट करूँ उत्तर कमेंट कले एवं चलतु सठिक उत्तर जाए ना तो सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी जोटा कि स्किन डिजीज एक्जेमा आम बॉडी स्किन को होता है किपर अफेक्ट हो देखिपे हाथर या फिर स्किन रही अवस्था हो जाए तो क्वेश्चन नंबर 495 को जीवा हु फाउंडेड द स्काउट्स एंड गाइड्स ऑर्गेनाइजेशन एम किए जेकि स्काउट्स आउ गाइड्स को फाउंड करते तो आंसर कमेंट कले एवं चलतु सठिक उत्तर जाए ना तो सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर ए जोटा कि लॉर्ड बाडेन पावर्स पुएल लॉर्ड बाडेन पुएल जेकि 1907 मसीह स्काउट्स एंड गाइडेड्स ऑर्गेनाइजेशन फाउंड करते तो क्वेश्चन नंबर 496 को जीवा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन व्हिच इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड एम भर कौटा आम लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड तो आंसर कमेंट कले एवं चलतु सठिक उत्तर जाए ना तो सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर डी जोटा कि पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन को आम लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड कहा जाए था एरिया अनुसार एवं चलतु क्वेश्चन नंबर 497 को जीवा इन व्हिच स्पोर्ट्स इज द टर्म पेनाल्टी किक यूज को स्पोर्ट्स रे आम जो टर्म पेनाल्टी किक यूज कराई थाए तो आंसर कमेंट करूँ आंसर कमेंट कले एवं चलतु सठिक उत्तर जाए ना तो सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी जोटा कि फुटबॉल स्कोरर यानी फुटबॉल मैच रे आमर पेनाल्टी किक ए टर्म को यूज कराई थाए तो क्वेश्चन नंबर 498 को जीवा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रणजी ट्रॉफी इज रिलेटेड टू व्हिच गेम को गेम सहित रणजी ट्रॉफी जड़ित आंसर कमेंट करूँ आंसर कमेंट कले एवं चलतु सठिक उत्तर जाए ना तो सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी जोटा कि क्रिकेट रणजी ट्रॉफी रिलेटेड टू क्रिकेट इट इज ए फर्स्ट क्लास क्रिकेट चैंपियनशिप प्लेड इन इंडिया तो क्वेश्चन नंबर 499 को जीवा ज्ञानपीठ अवार्ड इज रिलेटेड टू व्हिच फील्ड को फील्ड रे को फील्ड रे आमर ज्ञानपीठ अवार्ड दिया थाए आंसर कमेंट करूँ आंसर कमेंट कले एवं चलतु सठिक उत्तर जाए ना तो सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी जोटा कि लिटरेचर लिटरेचर रे ही आमर ज्ञानपीठ अवार्ड दिया तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस लिटरेरी अवार्ड इन इंडिया तो क्वेश्चन नंबर 500 को जीवा व्हिच इज द हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड इन इंडिया एम कौटा जोटा कि हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड खेल क्षेत्र में कौटे हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड तो आंसर कमेंट कले एवं चलतु सठिक उत्तर जाए ना तो यार सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी जोटा कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जोटा कि इंडिया हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड तो क्वेश्चन नंबर 501 को जीवा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इन व्हिच ईयर डिड अर्जुन अवार्ड स्टार्ट
कौ मसीह अर्जुन अवार्ड दिहबा स्टार्ट हला आरंभ हला तो एनसर कमेंट करंतु। एनसर कमेंट करले एबे चलंतु सटीक उत्तर जाय नबा। तार सटीक उत्तर हला ऑप्शन नंबर बी जोटा गेलो 1961 मसीह अर्जुन अवार्ड दिहबा स्टार्ट हला इंडिया द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 4502 को जीवा, एटा भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। व्हिच इज द स्टैंडर्ड टाइम लाइन इन इंडिया, इंडिया रा स्टैंडर्ड टाइम लाइन कोटा, ये सब ऑप्शन देछि। ऑप्शन देखि कि यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट करले एबे चलंतु सटीक उत्तर जनवा। तो सटीक उत्तर हला ऑप्शन नंबर बी जटे गेला 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड इंडिया रा स्टैंडर्ड टाइम लाइन जहाँ आम कही था इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी कि IST। तो क्वेश्चन नंबर 503 को जीवा, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द मग्सासय अवार्ड। मग्सासय अवार्ड किए पाई प्रथम इंडियन किए। तो एनसर कमेंट करंतु। एनसर कमेंट कले एवं चलतु सठिक उत्तर जाए नवा। तार सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर डी जो कहे बिनुआ भावे। बिनुआ भावे प्रथम इंडियन जे कि मग्सासय अवार्ड पाई केवे 1958 मसीह पाई कौन पाई ड्यू टू ह्यूमानिटेरियन एफर्ट पाई। तो क्वेश्चन नंबर 504 को जीवा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम आसी। हुज वर्ल्ड फेमस पेंटिंग इज मोनालिसा, मोनालिसार पेंटिंग किए करते। ये सब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखिकी यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले एबे चलंतु सटीक उत्तर जाय नबा। तार सटीक उत्तर हला ऑप्शन नंबर सी जोटे गला लियोनार्डो दा विंच। लियोनार्डो द डाविंच विंच गोटे इटालियन आर्टिस्ट जे कि यार पेंटिंग करते मोनालिसार, जार चित्र आप देखिपे किपरि पेंटिंग करते। तो क्वेश्चन नंबर 505 को जीवा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, स्वाग इज द फोल्क डांस आर्ट ऑफ व्हिच स्टेट। स्वाग कौ स्टेट्र फोल्क डांस। तो एनसर कमेंट कले एवं चलतु सटीक उत्तर जाए नवा। तार सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी जोटा कि है हरियाणा। हरियाणा रे ही स्वाग डांस होता है जोटा कि एक फोल्क डांस एसोसिएटेड विथ हरियाणा। तो क्वेश्चन नंबर 506 को जीवा, हाउ मेनी हाईकोर्ट्स आर देयर इन इंडिया, इंडिया रे टोटल हाईकोर्ट के अच्छी। जार सटीक उत्तर कमेंट करंतु। ये दे 25 हाईकोर्ट किंतु एबे प्राय चेंज हो कि 28 ना कते बढ़ी सारानी, एटा इंटरनेट रु आप चेक करें। तो क्वेश्चन नंबर 507 को जीवा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हु डिसाइड्स व्हेदर ए बिल इज ए मनी लॉ और नॉट। मान जो किए डिसाइड करती को बिलटा मनी लॉ हबो, मनी बिल हबो कि हबनी। तो एनसर कमेंट कले एवं चलतु सठिक उत्तर जाए नवा। तो सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर डी जोटा कि स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड करती को बिल टी मनी बिल हबो कि हेबो नहीं। तो डिसीजन टे स्पीकर ऊपर निर्भर। तो क्वेश्चन नंबर 508 को जीवा, हु वाज द लास्ट मुगल एम्पायर, मुगल मानकर लास्ट एम्पायर किए थे। ये सब ऑप्शन देजी, ऑप्शन देखिकी यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट करले एबे चलंतु सटीक उत्तर जानवा। तार सटीक उत्तर हला ऑप्शन नंबर डी जोटा कहला द लास्ट मुगल एम्पायर वाज बहादुर शाह जफर टुआई। बहादुर शाह जफर टुआई जे कि थिले लास्ट इंडियन रिवेलियन जे कि थिले लास्ट रिवेलियन या फिर लास्ट एम्पायर, लास्ट मुगल एम्पायर थिले बहादुर शाह जफर टुआई। तो क्वेश्चन नंबर 509 को जीवा,
which is the first country in the world to completely ban मानक जो कोटा प्रथम स्टेट प्रथम कंट्री जो कि टोबाको को कंप्लीटली बैन कर दी टोबाको को मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो आंसर कमेंट कले एवं चलते सठिक उत्तर जानवा तो सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी जोटा भूटान भूटान 2004 मसीह टोबाको को कंप्लीटली बैन कर दे तो नो टोबाको तो क्वेश्चन नंबर 5-10 को जीवा आज लास्ट क्वेश्चन एवं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हु कंपोज गोदान गोदान कंपोजिशन किए करते सब ऑप्शन देखिए ऑप्शन देखिक यार उत्तर कमेंट करूँ उत्तर कमेंट कले एवं चलते सठिक उत्तर जानवा तो यार सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी जोटा के मुंशी प्रेमचंद मुंशी प्रेमचंद जो हिंदी राइटर जैकि गोदान लिखी तो ये थिला आज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जार पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप जॉइन हो जातु आ वीडियो दे हेल्पफुल होगी तबे चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करनी तो यही टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखापी आप प्लेलिस्ट को विजिट करेंगे कहीं ये क्वेश्चन आपं कमिंग एग्जाम बहुत बहुत इम्पोर्टेंट एवं आपको बहुत बहुत हेल्पफुल है फाइनल कह थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।